लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, हम मान के चलिए लगभग 70-80 साल से, जिस तेजी के साथ औद्योगिकरण हुआ है या जिस तेजी के साथ जो विकास की नीतियां हमने अडॉप्ट की हैं, स्ट्रेटेजीज जो हमारी डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजीज रही हैं, जो हमने नीतियां बनाई है फॉरेस्ट को लेकर, पानी को लेकर, बांधों को लेकर, सड़कों को लेकर, उन्होंने जो ये परिवर्तन है इसको बहुत तेज कर दिया है। और जब बहुत तेज परिवर्तन हो जाता है तो उसके असर जो है उसके नकारात्मक असर दिखने लग गए हैं। और नकारात्मक असर की अगर मैं बात करूं तो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो बात चल रही है कि जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन, ये जो एनवायरमेंट है अपना अल्मोड़ा वाला, वो कहता है कि 50% से अधिक गांव जो है आयातित पानी पी रहे हैं, उनका अपना पानी सूख चुका है। और हम सब जानते हैं कि गाँव वहाँ पर बसता है जहाँ पर पानी का स्रोत होता है। वो पानी का स्रोत सूख चुका है तो इसका मतलब है गांव के उखड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। 50% गांव अगर आयातित पानी पी रहे हैं, हम पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर पानी को लेकर, स्प्रिंग्स को लेकर, जो जल धाराएं हैं उनको लेकर चिंतित हैं, लेकिन वो चिंता हमारी नीतियों में नहीं दिखाई दे रही है। वो कुछ बौद्धिक डिस्कोर्स में तो दिखाई दे रही है, परिचर्चाओं में तो दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम धरातल परिवर्तन पर नहीं जा रहे हैं तो नहीं हो रहा है। आज का ये कार्यक्रम जो उत्तरजन की एक पहल है, सामाजिक और वैचारिक पहल है, उसके तहत हमने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं इस कार्यक्रम में उत्तरजन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये दीपक विचारों का, विचारधाराओं का और वैचारिक चर्चाओं का इसी तरह से जलता रहे, इसी कामना के साथ मैं श्री सुशील कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आज का स्वागत भाषण होगा। श्री सुशील कुमार जी, उत्तरजन के सचिव हैं आप। ये जो उत्तरजन है, बेसिकली इसकी जो शुरुआत है, अगर आप बोलें तो श्री लोकेश नवानी जी ने ये शुरुआत की थी, और उसके साथ जो फाउंडेशन स्टोन था वो डॉक्टर जयंत नवानी जी ने डाला था। तो इन दोनों लोगों ने एक अच्छी शुरुआत करी, और इस शुरुआत के साथ धीरे 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 लोग जुड़ते गए, और काफ़ी तादाद में इससे आज हमारे पास इस संस्था में लोग हैं। अगर मैं उद्देश्य की बात करता हूँ तो उद्देश्य उत्तराखंड के बुनियादी सवालों और सरोकारों पर सामाजिक संवाद, विमर्श, विचार विमर्श, सहयोग और कार्यवाही के माध्यम से समाज में बदलाव और विकास के लिए काम करना है। ये विषय उनका जो है बहुत ही सामयिक महत्व का है, हम सब जानते हैं। ये हम सभी के लिए बहुत महत्व का है। मुझे इस विषय के सभी पक्षों की जानकारी तो नहीं है, लेकिन सामान्य समझ से भी उत्तराखंड के आज की स्थिति में कई बातें बहुत साफ हैं। मैं यहाँ जो हालात हैं आज, मेरे ख्याल सभी लोग जो मौजूद हैं उससे बहुत असंतुष्ट हैं, इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं। वे हालात मन में बहुत गुबार भरते हैं, कोई रास्ता ठीक से समझ नहीं आता, बहुत उलझने लगती हैं। हम ऐसी सभाओं में, बैठकों में जब भी इस दुखदायी स्थिति की चर्चा करते हैं तो रिपीटेटिव हो जाते हैं सिम्टम्स के ऊपर। 99% हमारा समय जाता है अपने विलाप में, ये यहाँ खराब है, वो वहाँ खराब है, ये है, ये है, ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, और इसको दोहराने का कोई अंत नहीं है, और ये हमें कहीं नहीं ले जाएगा। इन बैठकों में मुख्यतः हमें सॉल्यूशंस पर बात करनी चाहिए। जो अनुभवी इतने लोग हैं और भी उत्तरजन में बहुत जुड़े हुए लोग हैं, यदि हम सॉल्यूशंस पर बात नहीं करेंगे तो हम दोहराने के ये रिइटरेशन में फंस जाएंगे, और फंसे हुए हैं अभी तक। तो ये एक बड़ी कमी है, ये उधर शासन की तरफ से जो गलती है और हमारी तरफ से ये जो गलती है, इसका दंड सामने है कि 22 सालों में कोई विशेष ऐसा परिवर्तन नहीं दिखा जैसी अपेक्षा थी, और ये शायद स्थिति उत्तरोत्तर खराब ही हो जैसे हालात हैं। मौसम बदलाव की पर आऊं तो इससे पड़ने वाले कुछ बड़े प्रभाव
सामने दिख रहे हैं। उत्तराखंड बना तब से आपदाओं का दौर एक बढ़ने लगा, तब मौसम बदलाव की चर्चा इतनी ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे ये बात साफ होने लगी कि आदमी का जो दखल, अति दखल की अति जो प्रकृति के साथ हुई है, वो निश्चय ही असर डाल रही है वातावरण पे। उसके दुष्प्रभाव दिखने भी लगे हैं, कुछ लोग पीड़ित होने भी लगे हैं, स्थितियां वहाँ तक पहुँच गई हैं। तो हिमालय में अगर देखें इस संदर्भ में, तो यहाँ जो बहुत बड़ी संख्या में ग्लेशियर लेक्स हैं ऊपर, उनकी स्थिति अनिश्चित सी है। आज उनमें से कितनी खतरे में होंगी, कितनी ऋषिगंगा जैसी बाढ़ें आ सकती हैं, कितना नुकसान वो जगह जगह कर सकती हैं, उसका कोई आकलन नहीं है, कोई सक्षम आकलन नहीं है। अभी बताया गया कि बहुत सारे जल स्रोत पहाड़ के सूख रहे हैं, बहुत बड़ी सच्चाई, दुखद सच्चाई है। और शायद फसलें और जीवन भी प्रभावित हो रहे हों क्लाइमेट चेंज से, ये कृषि विज्ञानी और चिकित्सा विज्ञानी हमें बताएंगे कि वाकई कुछ उस दिशा में भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं, कहाँ तक गए हैं, रोकने योग्य हैं या नहीं। ये कुछ बातें हैं। एक क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कारण जैसा हम देख रहे हैं कि विकास की गलत दिशा, विशेष रूप से पहाड़ों में, मैदानी तौर तरीके जो विकास के थे उनको पहाड़ में कॉपी कर देना, ये बहुत घातक है। हिमालय की परिस्थितियां वो नहीं हैं जो मैदानों की हैं। यदि हम ये सोचें कि यही मॉडल वहां सफल हो जाएगा, तो ये तो संभव है ही नहीं। और इसके दुष्परिणाम आपको हर साल ही दिखाई देते हैं। पहले बरसात में दिखाई देते थे, अभी हाल में कुछ वो दूसरे मौसम में भी दिखाई दिए। ऋषिगंगा की बाढ़ एक उदाहरण है। और दुखद ये है कि ऋषिगंगा की बाढ़ के बाद हुआ क्या, क्या हमने कुछ सीखा? पहले आपदा 13 में इतनी भीषण आई, क्या हमने कुछ सीखा? केवल पोस्टमार्टम करके आगे बढ़ जाना, ये तो समस्या का हल नहीं है। वही हुआ ऋषिगंगा में, कारण ये थे, ये थे, ये थे। क्विक असेंबली एक हुई वैज्ञानिकों की जगह जगह से, उन्होंने एक पोस्टमार्टम किया सिचुएशन का, घटना के बाद जो साक्ष्य थे उनके आधार पे कुछ विचार दिए। ये रास्ता विकास का नहीं है। विकास के लिए, ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हमारे पास वास्तविक व्यापक जानकारी जरूरी है। जमीनी जानकारी लेने के, आपदाओं पर रोक के क्या प्रबंध इसके बाद हुए, अगर किसी को दिखाई दिए हों व्यवस्था में तो बताएं। इसमें सबसे बड़ी चूक क्या रही, क्यों हुई ऋषिगंगा घटना, क्यों हुई? क्या हिमनद झीलों पर, ग्लेशियर लेक्स पे जो खतरे हैं उनको आंकने की जमीनी व्यवस्था उस दिन के बाद आज तक कुछ बेहतर हुई है, कुछ सक्षम हुई है, कोई कदम उठाए गए हैं? जो उपलब्ध निर्देश भी हैं, मानक भी हैं दुनिया भर में, हमारे यहाँ भी हैं, भारत सरकार के तरफ के जो संबंधित विभाग हैं वो इन चीज़ों में मानक जारी करते हैं, संकलित ज्ञान के आधार पर गाइडलाइंस देते हैं, उनकी काफ़ी अनदेखी कर दी जाती है कामों में। उनके पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में क्या कोई प्रगति हुई है, क्या बदला है? क्या किसी को, जो भी इस विषय के जानकार हैं और सामान्य लोग भी सभी, वे सोचें कि क्या बदला है उन आपदाओं के बाद, क्या बदला है जो हम ये सोचें कि कल इससे बड़ी आपदाएं नहीं आएंगी?
हम असल में बड़ी आपदाओं की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हम सीख नहीं रहे। और अभी बहुत बड़ी आबादी इस भ्रम में है कि आपदाएं दूर हैं, हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो प्रभाव ज्यादा दूर नहीं है, वो परोक्ष या अपरोक्ष रूप में सब पर आने वाला है। भाई, जो आदमी की क्रिएटिविटी है, जो आदमी की वर्किंग एफिशिएंसी है, जो आदमी की कैपेसिटी है, वो तो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में ज़्यादा होनी चाहिए। एडवर्स कंडीशंस में आदमी जद्दोजहद तो जीतने के लिए जीने के लिए करता है। तो ऐसा क्या रहा होगा कि पुणे में न बैठकर या बेंगलुरु में न बैठकर, जहाँ की क्लाइमेट बहुत कंड्यूसिव है और वहां पर बैठ के निठल्ला चिंतन हो सकता है। डॉक्टर भट्ट साहब, हमारा एक प्रिय विषय निठल्ला चिंतन, जिसपे उन्होंने कविता संग्रह भी प्रकाशित किया है, वहां पर इस तरह के स्वांत सुखाए वाला ज्ञान जो किसी आवश्यकता की उपज नहीं है बल्कि स्वांत सुखाए है, बौद्धिक उर्वरता का जो प्रतीक है, इस तरह का ज्ञान वहां न होकर हिमालय जैसे उच्च और एडवर्स कंडीशंस में वहां उसका सृजन हुआ, इसका कारण क्या रहा होगा? मेरी दृष्टि में केवल एक ही चीज आती है कि क्योंकि जैसे जैसे आप उच्चता की ओर जाते हैं, धरातलीय उच्चता की ओर जाते हैं, आपकी दृष्टि पैनोरमिक होती जाती है, वैश्विक होती जाती है, बृहद होती जाती है और ब्रह्मांड के उस संदर्भ में होती जाती है। शायद सोचने का दायरा भी इतना बढ़ता जाता होगा, तब शायद ऐसा होता होगा। तो हिमालय आपके लिए, हमारे लिए केवल एक विश्व पर 2500 किलोमीटर का अर्धचंद्राकार एक धरातल उभरा हुआ क्षेत्र नहीं है, जिसको कि हम थर्ड पोल कहते हैं, जो नहीं होता तो हमारे यहाँ मानसून नहीं होता और हमारे यहाँ डेजर्ट होता, जो नहीं होता तो साउथ एशिया का क्लाइमेट पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता, यहाँ इतनी ठंड होती कि जितनी हिमालय के उत्तर में है। हिमालय कई दृष्टियों से बहुत 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 विशिष्टताओं के संयोग है। हिमालय की स्थिति ऐसी है कि जाड़ों में जो यूरोप से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं हैं बहुत अत्यंत ठंडी होती हैं, उसका ज्यादातर भाग हिमालय के कारण डिफ्लेक्ट होके, उसके कारण परावर्तित होके वो सब उत्तर की ओर चले जाता है और एक छोटा सा भाग आता है हिमालय में जो यहाँ की बर्फबाजी करता है। हिमालय में काफी बर्फ रहती है और जो जाड़ों में यहाँ बारिश होती है उसके कारण, लेकिन ज्यादातर भाग ऊपर जाने की वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट इतना कोल्ड, यहाँ का टेम्परेचर इतना कम नहीं होता है, कंड्यूसिव रहता है। यहाँ हिमालय के कारण उत्तर की 15-16 बड़ी नदियां सदा नीरा है और हिमालय की विशिष्ट स्थिति के कारण मैंने क्लाइमेटिक रेगुलेटर, जैसे पहले आपने भी बताया, वो तो है ही है, लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ कई स्पीसीज ऐसी हैं जो केवल हिमालय में ही होते हैं। हिमालय वैश्विक स्तर पर कुछ कुछ को कहता है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, तो हिमालय का एक पार्ट उत्तर पूर्व जो है वो बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट, बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट है, जैव विविधता का एक केंद्र है। हिमालय बहुत विशिष्टताओं का एक संयोग है। सभी लोग जानते हैं कि हिमालय पर, ये तो अब तो आज तो सारे टेक्स्ट बुक्स में कि हिमालय कैसे पैदा हुआ, मैं संक्षेप में ये बात बताऊंगा कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्लेट थी जो कि यूरेशियन प्लेट से टकराई और आज से करीब 65-70 मिलियन या साल पहले ये घटना शुरू हुई और आज भी ये प्रक्रिया जारी है और हिमालयों का उत्थान आज भी जारी है। इसीलिए यहाँ जब तक भूकंप आते रहते हैं, ये सब लोग जानते हैं, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। और ये एक जो डायग्राम ये बता रहा है कि कब कब भारतीय उपमहाद्वीप कब से कहाँ पहुँचा, ये इसकी जर्नी का है। और ये जो दरारें हैं, इन दरारों पे हलचल आज भी जारी है, इसलिए हिमालय की सारी चट्टाने भंगुर हैं, हिमालय के ढाल भंगुर हैं, हिमालय बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल इकोलॉजी वाला टेरेन है। इसलिए हिमालय की सोच, एक तो ये बात है कि ये साउथ एशिया का क्लाइमेट रेगुलेट करता है, तो ये केवल एक लोकलाइज फिनोमिना नहीं है कि हिमालय वासियों की चिंता का विषय नहीं है, ये भारत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और जितना अन्य भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, साउथ एशिया के देश हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो करीब करीब आधी जनसंख्या इसके इर्द गिर्द है विश्व की, तो ये एक वैश्विक
इसका हर मुद्दा वैश्विक होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति तो छोड़िए, भारत का राष्ट्रपति साल में एक बार हिमालय की बात नहीं करते हैं, जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा है हिमालय की बात कि इसको अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना है, यूएन को बार बार कहना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन कई फ्लॉज हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता। सबसे पहली काम इसमें जागृति का है, और हिमालय के बारे में या अपनी समझ हम दुरुस्त तभी कर सकते हैं जब इसके बारे में जानकारी हो। ये हिमालय में उत्थान की प्रक्रिया अभी भी जारी है, इसीलिए ये दबाव जब दोनों तरफ से पड़ता है तो चट्टानें ऐसी मुड़ जाती हैं। ये मुड़ी हुई चट्टानें हैं, ये बहुत ज्यादा इसमें नहीं करूंगा। अगर मैं हिमालय को ऋषिकेश से और बद्रीनाथ तक काटूं, अलकनंदा या गंगा के अलोंग काटूं, तो ऐसा आपको ऐसा प्रोफाइल मिलेगा। जो ये पीली प्रोफाइल है, ये उत्थान, लगातार उत्थान, उत्थान का के ऊपर तक इस तरह से हिमालय चढ़ता जाता है, और बाद में मलारी के बाद फिर इसका प्रोफाइल कम हो जाता है, और इसी से वन टू वन मैच कर, दो दरारें मैंने इसमें दिखाए। एक कहते हैं MBT, जो कि चंद्रभागा रिवर, अगर हम ऋषिकेश में बोलो चंद्रभागा उस दरार पर बहती है, और दूसरा MCT जो कि हेलंग में ये दरार है। हेलंग के ऊपर को हम उच्च हिमालय क्षेत्र कहते हैं, और इन दोनों दरारों के बीच के क्षेत्र को हम मध्य हिमालय, लेसर हिमालय कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा हूं मैं, जब यहां से ऊपर को जाते हैं। और आप ये जो नीली रेखा है, जो नीला ग्राफ है, वो ये बता रहा है कि ये दो बारिश के पीक आती हैं। एक सबसे ज्यादा जब MBT क्रॉस करता है तो उसके रीजन्स में, जैसे ऋषिकेश हो गया, देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, इन रीजन्स में, लैंसडाउन के साउथ में होगा, इन रीजन्स में एक बहुत ज्यादा बारिश का, फोकस्ड रेन का एक पीक आता है, और दूसरा हेलंग भटवाड़ी इस रीजन में आता है, बीच में फिर कम रहता है। ये हिमालय के बेसिक फीचर्स में बता रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि मल्टी डिजास्टर प्रोन है, इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, रावत साहब ने विस्तार से बात रखी है, लेकिन कुछ चीजें उत्तराखंड को अतिरिक्त सोचने के लिए, अतिरिक्त चिंता की बात करते हैं। 2001 में एक पेपर आया साइंस, एक विश्व की सबसे प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में से एक में, उसमें एक विश्व के प्रसिद्ध भूकंप विज्ञानी हुए, उनका नाम है रॉजर विल्हम। प्रोफेसर रॉजर विल्हम और हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए प्रोफेसर VKS गौड़, इनका एक मॉडल वेस्ट पेपर प्रकाशित हुआ, और उन्होंने अपने साक्ष्यों के आधार पर यह बताया कि पूरे हिमालय में हालांकि भूकंपों की प्रचुरता है, लगातार भूकंप आते रहते हैं, लेकिन भूकंपों की, बड़े भूकंपों की संभावना हर जगह एक जैसी नहीं है। उन्होंने पाया कि 1905 में जो भूकंप कांगड़ा में आया वो 8 प्लस का था, इसलिए उस क्षेत्र के नीचे जो दबी हुई संचयित ऊर्जा थी वो मैक्सिमम उत्सर्जित हो चुकी है, वहां का भूकंप का की ऊर्जा निकल चुकी है, बड़े भूकंप की। हायर हिमालयन की हायर रीचेज में लैटिट्यूड, जैसे जैसे ऊपर को हम जाते हैं, नॉर्थ की तरफ को हम जाते हैं, वहां बारिशों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक दूसरी, अतिवृष्टि के घटनाएं बढ़ रही है। अतिवृष्टि, आज अतिवृष्टि होगी और 10 दिन बाद होनी थी, जो एवरेज था कि एक बरसात में 5 या 20 अतिवृष्टि होनी, अब वो 30 होने लग गई है, लेकिन नंबर ऑफ बारिशों के दिन पूरे साल में कम होने लग गए। अब एवरेज तो बेस्ट, जो साल भर का एवरेज तो एक ही आएगा, सपोज 150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बारिश का एवरेज है देहरादून का, लेकिन पहले देहरादून ये 150 की जो सेंटीमीटर बारिश होती थी ये होती थी 110 दिन में, अब वो 90 दिन में होने लग गई। नंबर ऑफ रेनी डेज कम हो गए, बारिशों के दिन कम हो गए, बारिश कम नहीं भी होगी, बारिशों के दिन कम हो गए। तीसरा ये है कि एक तीसरी बहुत बड़ी बात है कि 15,000 के करीब हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, और 15,000 ग्लेशियर्स में ज्यादातर ग्लेशियर हमारे रिसीट कर रहे हैं तेजी से, कुछ छोड़ के काराकोरम एनोमली बोलते हैं, वहां कुछ एडवांस करने की प्रवृत्ति देखी गई है, उस पर बड़े शोध चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर 80% 90% ग्लेशियर्स रिसीट कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे
एक तो हमने जब अतिवृष्टि की घटनाएं होंगी तो इसका मतलब बादल फटने जैसी घटनाएं ज्यादा बढ़ेंगी, फ्लैश फ्लड अचानक बाढ़ आएंगे, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि ग्लेशियर लेक आउट ब्लस्ट फ्लड, जो ग्लेशियर्स में एक तो लेक बनेंगे, सुपरा ग्लेशियर लेक ज्यादा बनेंगे। अभी पिछले दिनों आपने एक महीने पहले डेढ़ महीने पहले सुना होगा कि कुछ लड़के गए और वहां मधुमेश्वर के ऊपर उनको एक नई लेक मिल गई। अब वो कहते हैं कि हमने पहली बार ढूंढी, पहली बार बनी है वो, पहली बार इसलिए ढूंढी तुमने पहली बार क्योंकि लेक्स बन रही हैं, जो पहले ग्लेशियर था, ग्लेशियर पिघल रहे हैं वहां उनके बीच में लेक्स बन रहे हैं। ये वैश्विक जो टेम्परेचर है वो नापा गया, ये फिर अगेन ये बहुत मेजरमेंट के बाद है कि इस तरह से 1880 के बाद ये टेम्परेचर बढ़ने का ट्रेंड है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट, आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में अधिक उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन का क्या मतलब हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से भी हम लोग सांस लेते थे, पेड़ पौधे सांस लेते थे, आग भी हम जलाते थे, जंगल भी जलते थे, तो पहले क्यों नहीं होता था ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? तब का कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कार्बन डाइऑक्साइड सांस से छोड़ी, आग ने जलाई, आग से जली, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आई, पेड़ पौधों ने भी सांस ली, वातावरण में आई, लेकिन इस बीच क्या हुआ, जो पेड़ पौधे थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित किया और उससे उन्होंने खाना बनाया अपने लिए और ऑक्सीजन छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने स्वीकृत कर दी और अपने पास जमा कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस था कि वो वातावरण में इतना ही रहेगा, इसे ज्यादा नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियल पीरियड जब आया 1850 से पहले ही, 1800 के करीब समझ लो तुम, तो उससे क्या हुआ कि जो कोयला था जमीन का, जो पेट्रोलियम थे पदार्थ थे, वो जो कि आज से करीब 200 मिलियन ईयर्स या 200 मिलियन ईयर्स से 65 मिलियन ईयर्स के बीच में जो दबे हुए थे, जो दबा हुआ था, जो कार्बन दबा हुआ था, वो अनयूटिलाइज्ड था, वो सिक्वेस्टर्ड था, वो फिक्स था, वो हमने निकालना शुरू कर दिया और उसको अतिरिक्त जलाने लग गए। पहले पेड़ जलता था, जंगल जलता था, घास जलती थी, हम सांस लेते थे, पेड़ फिर उगाते थे, उसको कंज्यूम करते थे, तो साइकिल में था, कार्बन एक्टिव साइकिल था। जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर यूज भी हो रही है, एक बैलेंस था। हम अतिरिक्त लिया है किससे, जो फॉसिल दबा हुआ था। प्रॉब्लम उससे है जो फॉसिल फ्यूल जल रहा है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो जा रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्या कर रही है एटमॉस्फेयर में, सूरज की किरणों को किरण के रूप में तो आने दे रहा है लेकिन ताप के रूप में वापस नहीं जाने दे रहा। किरण आती है, पृथ्वी पर टकराती है, ताप बनती है, ताप के रूप में वो अंतरिक्ष, वो वापस नहीं जाने देता अंतरिक्ष में, वो लेयर रोक देती है उसको, इसलिए यहां का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सब मैंने, कुछ लोग अगर इस बात को इस तरह से नहीं समझ रहे होंगे तो मैंने लेमेन के लिए ये बताया। अब एक दूसरी बात भी है, एक दूसरा सरदर्द है, दूसरा सरदर्द यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है कल्प्रिट, लेकिन इसमें एक तिहाई रोल तो मीथेन गैस का है। अब मीथेन गैस का रोल इतना ज्यादा है कि उसकी मारक क्षमता, अमाउंट कम है लेकिन मारक क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा है, और पर उसमें एक बात है कि 15-16 साल तक साइकिल में रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह स्थायी नहीं रह जाती कि आज जो बन गई वो 500 साल तक भी, 1000 साल तक भी है, ऐसा नहीं है। मीथेन 15-16 साल में साइकिल हो जाती, लेकिन जिस तेजी से मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, वैज्ञानिकों ने पाया कि सन 2006 से आज तक 7% मीथेन बढ़ गई है एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस चेंबर जैसा है हमारा तो मीथेन चेंबर में ब्लास्ट है, ब्लोअर उसमें ब्लास्ट है, मीथेन इतनी घातक है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और ये और दुर्भाग्य, इसकी दो तीन पहलू और हैं। एक तो ये पाया गया कि पिछले दो साल में 2021 से 1921 के बीच में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ी मीथेन, जबकि इस दौरान हमारा बाकी उत्सर्जन नहीं होता था, हमारे तो गाड़ी वो भी नहीं चले, हमारे कोविड के दौरान तो सब कुछ तो सामान्य, वो सामान्य से नीचे रहा,
ना तो गाड़ियां चली, ना फैक्ट्री चली, ना कुछ चली, इस समय तो कम होना चाहिए था, उसका उत्सर्जन ज्यादा हो रहा। तो वैज्ञानिकों ने पाया इसका कि मीथेन जमे हुए पानी, रुके हुए पानी में मीथेन उत्सर्जित होती है, उसमें बैक्टीरिया ऐसे पैदा होते हैं जिससे मीथेन उत्सर्जित होती है। या जो जानवर जो मूत्र विसर्जन करते हैं, जो जो उनका मल मूत्र होता है, काउडंग होती है, ये इन चीजों से उत्सर्जन होता है, तो गोबर वगैरह से। वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जो वैज्ञानिकों ने जो इन्फ्लुएंस है, अभी इस पे कारण पता नहीं चल रहा कि 7% सडन बूम क्यों आया, और पिछले 2 साल में तो भयानक ही आ गया। तो उन्होंने ये पाया कि उन्होंने ये निकाला, शायद इसका कारण यह है करके कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ट्रॉपिकल रीजन्स में बारिशों की ज्यादा तादाद हो गई है, उसकी वजह से पानी के ज्यादा तालाब बन गए हैं, वेटलैंड ज्यादा डेवलप हो गए हैं, उन वेटलैंड से ज्यादा मीथेन उत्सर्जित हो रही है, और यही कारण है कि मीथेन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। टेम्पोरल शिफ्टिंग ऑफ ब्रीडिंग पीरियड, आप पशुओं में भी ये ब्रीडिंग पीरियड की बात देख सकते हैं, लेकिन मैं प्लांट्स की बात करता हूं। आप देखेंगे जिस साल ठीक ठाक बारिश हो रही है, टेम्परेचर डाउन है, जैसे 2020 में मार्च तक भी बुरांस फूला नहीं था, फुलफुल माई के लिए लोगों को फूल संग्रांत के लिए बुरांस नहीं मिला, क्योंकि उस साल बहुत देर तक बारिश होती रही है, कोविड पीरियड भी था जो कुछ भी, लेकिन उसकी वजह से नहीं हुआ। पर उस साल ये एक साल में अगर मौसम इस तरह से शिफ्ट करता है, उसको टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज नहीं बोलते, उसको कहते हैं क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी, ये थोड़ा सा भिन्नता आ जाती है। तो वहां मार्च अप्रैल तक भी बुरांस फूल रहे थे, अप्रैल तक भी, लेकिन पिछले साल 25 दिसंबर को हमने रानी चौरी में बुरांस फूला हुआ देखा। टेम्परेचर के कारण अगर कोई मतलब कोई मौसम का बदलाव अगर इतना स्थायी होता है तो ब्रीडिंग पीरियड इतना शिफ्ट हो जाता है। यह केवल प्लांट बुरांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यह आपकी खेती की बात भी कर रहा हूं मैं। खेती का पकने का पीरियड कितना चेंज हो जाएगा, और हमारा फसल चक्र तो मौसम के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, इन सब की चीजों की, तो कितनी मार पड़ेगी खेती पे, तो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो क्रॉप्स पे है, जो फार्मर्स पे है, वो कितना होगा, उसका असेसमेंट करना ही बहुत बड़े जंबो साइंस की जरूरत है। ये सारी चीजें हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज, जो मैंने कहा कि कुछ स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगी और कुछ स्पीसीज का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। अब कारण क्या है, लेकिन क्लाइमेट एक कारण होगा कि हर तरफ चीड़ चीड़ है, हर तरफ बंदर ही बंदर है, हर तरफ सुअर ही सुअर है, हर तरफ गाजर घास ही पार्थिनियम है, काला बांसा है। ये सारी स्पीसीज की बहुतायत पिछले 3-4 दशकों में आने का क्या मतलब है, क्या क्लाइमेट चेंज भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अध्ययन यहां भी मांगते हैं और बड़े लेवल पे अध्ययनों की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात हिमालय के लिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि व्हाइट स्पॉट ऑन द ग्लोब, व्हाइट स्पॉट एज फार एज द डाटा इज कंसर्न, डाटा के हिसाब से डाटा इनसफिशियंट डाटा है, डाटा मियागर क्षेत्र है, डाटा यहां एक दो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा दूसरा दूर होता है, तीसरा अध्ययन की हमें प्रवृत्ति ही नहीं है, हम तो सुनाम धन, हम तो उस गुब्बारे में बैठे हैं ना, हम तो विश्वगुरु हैं, हमारे बराबर नॉलेज किसको है, और पेपर छाप जाता है अमेरिका वाला, पेपर छाप जाता है पाकिस्तान। हम अध्ययन जब आप मानने लग जाते हैं तब आप जानने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। जब आप यह मानने लगे हम बहुत बड़ी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं तो जानने की जरूरत क्या है, फिर इतना बड़ा गुब्बारा तो हमारा पहले ही बन गया है। तो आपको हमेशा हमेशा ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि आपको लघु से लघुतर महसूस करवाती है, और अल्टीमेट जो ज्ञान होता है वो आपके अंदर का जीरो ईगो होता है कि मैं कुछ हूं नहीं। 2010 में जून में लेह में भयानक बारिश हुई जिसकी वजह से वो वहां बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, और जिसमें वो जो 3 इडियट्स वाली शूटिंग जिस स्कूल में हुई थी वो स्कूल खत्म हो गया था। 2013 में 16-17 जून को मौसम आता है, मॉनसून आता है यहां 22-23 जून के बाद, तो लास्ट हफ्ते में आता है देखा जाए तो, लेकिन वो शिफ्ट हो गया पहले। 2014 में आपने देखा कि
कश्मीर की सबसे भयानक बाढ़ आई इतिहास की, और 2013 में ऐसी आपदा हिमालय में, पिछले हमारा एक पेपर और है जिसमें हमने नदियों का अध्ययन किया है बाढ़ का, और उसमें हमने पाया कि 1000 साल में हमने अध्ययन किया है बाढ़ों का, इतनी भयानक बाढ़ जो 2013 में आई और एक साथ इतनी वृष्टि के साथ आई कि कहां रह गया काली और कहां रह गया सतलुज, इसके बीच की जो 13-14 नदियां हैं वो लबालब एक साथ एक ही समय में पानी से लबालब हुई, ऐसी घटना। ऐसा हो सकता है कि कभी भागीरथी में आ गई हो, कभी अलकनंदा में आ गई हो, कभी काली में आ गया हो, लेकिन एक बिल्कुल 500-700 किलोमीटर का एक क्षेत्र पूरा, इसमें एक साथ सारी नदियां लबालब हो गई हैं। ये अनयूजुअल फिनोमिनन है, ये भी देखने को मिलेगा और ये मिल रहा है। पिछले साल सितंबर में 2010 में उत्तराखंड में सितंबर में एक हफ्ते रोड बंद हुई थी, यहां से ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच में बहुत भयानक बाढ़ आई थी सितंबर थर्ड वीक में। पिछले साल तीसरे वीक अक्टूबर में कुमाऊं के इतिहास की, गढ़वाल के इतिहास की सबसे भयानक बारिश हुई, और इस साल भी आप देखिए सितंबर अक्टूबर में कितनी भयानक, जबकि सितंबर के फर्स्ट वीक से ऑलमोस्ट मानसून विदा कर जाता है, सेकंड वीक में तो चले ही जाता है, लेकिन अब आप अक्टूबर तक उसका, तो ये टेम्पोरल चेंज, बारिश मौसम के मिजाज में शिफ्टिंग, ये दूसरी प्रवृत्ति है, और हिमालय जैसे फ्रेजाइल टेरेन के लिए ये तो बहुत ही बड़ा डिजास्ट्रस है। यहां तो जहां मानसून के एक एक दिन की कैलकुलेशन फिक्स है कि मानसून इतने तारीख को यहां पहुंचता है, इतने तारीख को यहां पहुंचता है, वहां 15-15, 20-20 दिन और एक एक महीने का शिफ्टिंग कितना बड़ा डिजास्टर लाता होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा खींच रहा हूं तो मेरे को बता दीजिएगा लोग। धन्यवाद। अब एक और, मैंने कहा कि ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं, ग्लेशियर पांडुकेश्वर तक ग्लेशियर थे, ग्लेशियर कुछ पेपर्स में तो झाला तक, गंगोत्री में झाला तक ग्लेशियर था, लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते हम कि कहां तक था ग्लेशियर, लेकिन पिछले 20,000 साल में ग्लेशियर बहुत नीचे तक थे, अब ग्लेशियर लगातार तब से पीछे खिसक रहे हैं। इस प्रक्रिया में ग्लेशियर से तो बर्फ माइनस हुई, लेकिन ग्लेशियर केवल बर्फ का नाम नहीं है, ग्लेशियर बर्फ मिट्टी पत्थर का नाम है, संयुक्त रूप से बर्फ में इंबेडेड जो मिट्टी पत्थर है वो मलवा, जिसको हम मोरेन्स कहते हैं, वो मलवा छूट गया, पानी तो खिसक गया उससे पिघल के, लेकिन वो छूट गया। पूरे नदियों के किनारे उच्च हिमालय घाटियों में जब जो पहले ग्लेशियर थे अब नदियां हैं, उनके किनारे बेतरतीब मलवा पड़ा हुआ है। ये मलवा 2013 की आपदा में केदारनाथ के ऊपर से जो मलवा आया वो यही मलवा था। सारी नदियों में जो बाढ़ का कारण बना उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आई बारिश के कारण, वो मलवा मोबिलाइज हो गया, लूज है, लूज मटेरियल है, थोड़ा भी अतिवृष्टि हुई ये आएगा, ये सब जगह आता है। अब मलवा ये पड़ा हुआ है उच्च हिमालय क्षेत्रों में, अब जितने भी डैम्स बन रहे हैं वो सारे के सारे उच्च हिमालय क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। तपोवन डैम वही है, ऋषिगंगा डैम वही था, सारे डैम्स पूरे हिमाचल में, अब जो भी डैम्स मैंने उधर की तरफ भी देखो इधर की तरफ भी देखो, सारे के सारे डैम्स उच्च हिमालय क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। अगर ये मलबे आते हैं तो जो दो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 7 फरवरी 2021 की जो आपदा आई ऋषिगंगा आपदा जाड़ू में आई, सबसे कम जबकि बॉटम में होता पानी उस टाइम पे आई, लेकिन थी तो प्राकृतिक घटनाएं, भले ही रेयर थी, उसको आपदा में किसने कन्वर्ट किया, दो डैम्स ने, एक ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और दूसरा तपोवन प्रोजेक्ट, और तपोवन प्रोजेक्ट 3 बार ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2 बार डैमेज हो चुका था। और मैं ये कह रहा था कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने वहां जाके बोला, देखिए एक बात यह है कि मैं यहां पर जब मैं इस तरह के स्टेटमेंट देता हूं तो मैं किसी पर्टिकुलर जो सिटिंग है उसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं ये राजनीतिक प्रवृत्तियों के खिलाफ बोलता हूं, तो इसमें यह न माना जाए कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में ही है, विकास के मॉडल तो सबका एक जैसा है। मुख्यमंत्री जी वहां जाके बोलते हैं जब 200 वहां टनल में मरे हुए हैं, उनकी लाशों का कुछ पता नहीं है, और मुख्यमंत्री जी वहां जाके बोलते हैं कि इसको
कुछ पर्यावरणविद इसको इस परियोजना को बंद कराने का एक बहाना न समझे, परियोजना जारी रहेगी। मैंने एक रिक्वेस्ट करी और मैं बहुत हम्बली मैंने ये बोला कि जितना मैं उस धौली गंगा के मिजाज को समझा हूं, धौली गंगा के मिजाज, धौली गंगा उसका नाम ही धवला है, धवला मतलब हर समय उसका पानी गंदल रहता है, मटमैला रहता है, उसमें अतिरिक्त संवेदनशीलता है। और मैंने ये कहा कि आप देख लीजिएगा, आप इस तपोवन प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लगातार डैमेज होता रहेगा। ये मेरी भविष्यवाणी एज ए भविष्यवक्ता नहीं है, यह मैं बहुत बड़ा मुंह छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, जियोलॉजिस्ट होने के नाते, फ्रिजिलिटी ऑफ द हिमालय जानने के नाते मैं जानता हूं कि आप ये पूरा नहीं कर पाएंगे। हर 3-4 साल में इतनी भयंकर कुछ ना कुछ उस वैली में आता रहेगा, 3-4 बार ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो ये जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल है, मलवा है, ये लगातार थोड़ी भी बारिश, और मैंने कहा कि बारिश की शिफ्टिंग नॉर्थ की तरफ को हो रही है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में पहले भयानक बारिशें नहीं होती थी, वहां छोटी छोटी बूंदों पे बारिश होती थी, झुमझुमी बारिश होती थी, अब वहां बारिशों की बूंदें बड़ी होने लगी है। लोग इस पे भी लोगों का, वैज्ञानिकों का वो आया है, रिसर्च आई है, वैज्ञानिक कहते हैं अब जो कंडेंसेशन की हाइट है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अगर कंडेंसेशन बारिश को बूंद में कन्वर्ट होने का जो हाइट थी वो पहले एक्स थी तो x+2 हो गई या ऊपर बढ़ गई है, क्योंकि वो टेम्परेचर वहां पे नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए अब उच्च हिमालय क्षेत्रों में जहां पहले बहुत तेज बारिश नहीं होती थी, अब उच्च तेज बारिश होने लग गई है। मतलब उच्च हिमालय क्षेत्रों में बारिश तेज हो रही है, वहां जो लूज मटेरियल जो वैलीज में जो ग्लेशियर्स का पुराना छोड़ा हुआ मटीरियल वहां है, और तेज बारिश के कारण वो नीचे मोबिलाइज होगा और नीचे के डैमों को तहस नहस करेगा। इसलिए अभी एक पेपर आया है साइंस में, नेचर जियो साइंस, ये हमने भी एक स्टडी करी थी, हमने कहा था कि कहां कहां कितना कितना मटेरियल अभी जो लूज मटेरियल है वो जमा है, ये हमने देखा था। अगर धरातल पर इस तरह की हलचल पानी भरने और खाली होने से आ रहा है, इसका मतलब कई दरारें हैं जिनके अलोंग टेरेन सक्रिय हो रहा है, और इस बात के पूरे विश्व में उदाहरण मिलते हैं कि रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी के बड़े उदाहरण मिलते हैं। कोयना डैम, हमारा जो कोयना डैम है उसमें इस बात का उदाहरण है। तो इससे सेस्मिक सिटी इंड्यूस होगी, इसके अतिरिक्त इससे भूकंपों के हलचल बढ़ेंगी, इस बात की पर्याप्त संभावना है, स्टडीज की जरूरत है, हम कह नहीं रहे, पर ये तो यही बता रहा है, अध्ययन नहीं हो रहे। इसके अलावा हमने जो और पेपर जो हमने इसमें हमने डैम्स की और स्टडी करी कि क्या टीरी डैम से कुछ सबक लिया गया है। पंचेश्वर डैम जो प्रपोज डैम है, टीरी डैम से भी बहुत बड़ा डैम है, उस डैम के आप डीपीआर देखोगे, ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट देखोगे, डीपीआर देखोगे, इतनी सतही कि आप सिर पकड़ेंगे कि मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर जो तैयार की जा रही है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जा रहा है, उसमें इतने बेसिक चीजों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आप देखेंगे जैसे सपोज एक चीज है उदबिलाव, अब उदबिलाव पर्टिकुलर उदबिलाव का सबसे प्रिय भोजन कोई पर्टिकुलर मछली है, आप वहां कहेंगे वहां उदबिलाव है उसमें लिखा हुआ है, और वो मछली नहीं पाई जाती है। मतलब इतना सतही ज्ञान के साथ इस तरह से तैयार किया गया है, हर जगह ऐसे ही किया जा रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं अभी सड़क का दूंगा, इन सब में हमने ये आगाह किया है बार बार। मतलब लोग कहते हैं ना कि वैज्ञानिक कुछ नहीं कहते, जब हो जाते हमको तो ये बार बार बोला जाता है कि जब आपदा हो जाती है तो तुम टीवी पे बैठ जाते हो और तुम्हारी रोटी सिक जाती है और तुम्हारी दुकान चल जाती है, आपदा में अवसर वाली बात हम नहीं करते भाई। अच्छा, हमने पहले बराबर आगाह करते हैं ये, और ये बात ये पब्लिक डोमेन में, यानी इन पेपर्स को हम भेजते भी है, लेकिन अगर इन पेपर्स से कमाई के जरिए पे असर पड़ रहा हो तो कौन देखेगा इन पेपर्स को। श्रीनगर रोड हाईवे, उस पर एक साल में कम से कम 10,000 VIP जाते होंगे, और उसके सामने उन दिख रहा है कि डैम वाला सीधे नदी में मक डाल रहा है, मलवा डाल रहा है, जो कि बिल्कुल ही रूल्स के अगेंस्ट था, और उसका वायलेशन, और नतीजा ये हुआ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो इसके बगल पे इस फील्ड के बगल पे वो था, डंप कर रखा था उन्होंने, पानी आया उसने अपने साथ उठाया, पानी
कब वॉल्यूम बढ़ गया, आकार बढ़ गया, उसके यहाँ का तो उखाड़ा ही उखाड़ा, उसकी वजह से जो इसके श्रीनगर के डाउन स्ट्रीम में श्रीनगर के जो नीचे का क्षेत्र है वहाँ पूरा बिछ गया ये मलबा, और उस पर भी डैम, और जो HPC कमेटी जो हाई पावर कमेटी बनी, फिर डैम्स का प्रभाव 2013 की आपदा के लिए डैम्स के प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रवि चोपड़ा कमेटी बनी, उसने ये पाया कि डैम्स के कारण मैग्नीफाई हुई है, एग्रीवेट हुई है आपदा, और ये एक जगह नहीं हुआ, हर जगह ये देखा गया कि जस्ट डैम्स के नीचे डिजास्टर्स ज्यादा हुआ, ये विष्णुप्रयाग के केस में देखा गया, यहां केस में देखा गया, कुंड में देखा गया, सारे डैम्स में देखा गया, ये पाया, ये मना कर रहे थे, तो साइंटिफिक डाटा के आधार पर तब डैम वाले ने कबूल किया, और इसके आधार पर श्रीनगर को 1 करोड़ समथिंग या कुछ उन लोगों को मुआवजा दिया जो सिल्ट के कारण उनके यहां पानी भरा, वो भरा था। विज्ञान अगर सही तरीके से यूज हो तो हो सकता है, और विज्ञान की ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक लोग अल्टरनेट, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम बोलते हैं सब गलत हो रहा है, लेकिन विज्ञान रास्ता भी सुझाता है, लेकिन उस रास्ते को पकड़ने के लिए शॉर्टकट नहीं होता ना, फिर ये सारी चीजें इसमें हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि डैम सी डैम तुम बना रहे हो और हमारे पास वार्निंग सिस्टम यह है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नदी किनारे न जाएं क्योंकि कभी भी पानी बढ़ सकता है, और हालत यह है कि जब डाटा आपके पास नहीं है और आप डैम इंस्टॉल कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि पांडुकेसर के लोग जब डैम है उस डैम के नीचे पानी की बूंद नहीं आती है, तो जब पांडुकेसर और इस एरिया के डाउन स्ट्रीम के लोग जो बस्तियां हैं वहां अगर किसी की मृत्यु होती है तो डैम वालों को हाथ जोड़ने जाते हैं कि हम आज अपने मुर्दे की गति करेंगे, वहां नहाएंगे, थोड़ा पानी छोड़ दो। श्रीनगर में जाड़ों में पानी, नदी ऐसे दिखती है जैसे निरी या कोई गधेरा हो, बिल्कुल ही पानी नहीं छोड़ता, रात को तो बिल्कुल ही बंद कर देता है। डाटा नहीं है, आपने बड़े इंस्टॉल कर दिए डैम, आपको मिनिमम डिस्चार्ज पे कोई भी डिजाइन करना चाहिए था हाइड्रो पावर का, नहीं कर रहा है। टीरी डैम कितना उपजा रहा है, मुझे नहीं लगता 400 मेगावाट से ज्यादा अभी पहुंचा है, कभी भी प्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए डैम जरूरी है, नेता भी पहुंच जाते, ठेकेदार भी पहुंच जाते, जनता भी, कुछ जनता भी उनके साथ हो जाती है। आप एक बार बताइए, एक डैम का जो उत्तराखंड का हिस्सा वो मिला हो तो बताइए, श्रीनगर वाला नहीं दे रहा, टी डैम वाला नहीं दे रहा, अभी तक उत्तराखंड का हिस्सा भी तक नहीं दिया, हम खाली डूबने के लिए। ये विकास किसके लिए, मतलब विकास किसके लिए, क्या वहां जनता नहीं, वो जनता नहीं है क्या, उनके लिए नहीं है, वो दोयम दर्जे के हैं, आपको दिल्ली को पानी चाहिए, आपने टी डैम बना दिया, अब वहां भी तो लोग रहते थे, उनका भी तो कुछ सोचिए, कमी से ही लेकिन रहते तो थे। दूसरा, ये सड़क वाला जो लोचा है ये बहुत ही खतरनाक लोचा है। सन 2000 में हमारे पास थी करीब 8000 किलोमीटर सड़क, मैं बार बार ये आंकड़ा देता हूं, आज ये करीब करीब 45,000 किलोमीटर सड़क बन गई। 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 20,000 से 60,000 घन मीटर मलबा पैदा होता है, इस तरह से हमने करीब 300 करोड़ घन मीटर मलबा अकेला सड़कों से हमने पैदा किया, और हमारे उत्तराखंड की जो सड़कें बनती हैं विश्व के सबसे पुरातन टेक्नोलॉजी से बनती हैं, सारा मलबा उखाड़ा, JCB ने उखाड़ा और नीचे देख लीजिए नीचे डाल। तो हमारे यहां मैंने देखा, मैं जियोलॉजिस्ट भी रहा हूं, इंजीनियर साहब यहां हैं, मैं जियोलॉजिस्ट भी रहा हूं PWD वालों का, मैंने देखा वो रोड कैसे बनाते हैं, वो जब रोड की बाढ़ आ गई उत्तराखंड बनने के बाद, रोड हर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहा, NDT तिवारी जी के जमाने में तो किसी भी कागज पर रोड सैंक्शन हो जाती थी, और इंजीनियर्स के पास इतना टाइम था नहीं, वो क्या करते थे, वहां के जो बेलदार हैं डेलवेज हैं उनको बोलते थे यार अलाइनमेंट तुम देखो, वो लोकल आदमी होता था, डिस्प्यूट भी सुधार देता था, एक एक छोटे छोटे मार्क लगा के उसने रोड का एक वो बनाया और एक प्लान तैयार किया, अब रोड बनते शुरू होती है, ठेकेदार टेंडर हो गया, रोड बननी शुरू होती है, और तब आता है JCB का ड्राइवर वहां से रोड ले जाता है जहां सहूलियत हो, जहां हार्ड रॉक है वहां से खट नीचे, और फिर वहां असली अलाइनमेंट तय करता था JCB का ड्राइवर, सबसे बड़ा इंजीनियर रोड बनाने का JCB का ड्राइवर। और इस तरह से आपने करीब 40,000 किलोमीटर सड़क बना दी, ए 1-to-1 मैच करता 2000 के बाद 2022 के बीच में जो
फ्लैश फ्लड्स अचानक बाढ़ के कारण जो त्रासदियों में जो वृद्धि हुई है वन टू वन मैच करता है उसमें इस मलबे का डैम्स का मलबा इसका मलबे का सड़कों के मलबे का बहुत बड़ा रोल है और कितनी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान किया होगा इन सड़कों ने, कौन इसका असेसमेंट करेगा, कौन इसकी फंडिंग करेगा इसका और इरिवर्सिबल डैमेज है ये जो हम डैमेज कर चुके हैं 20-22 साल में। पूरा जोशीमठ नीचे आ रहा है, जोशीमठ से लेकर मलारी के बीच में कम से कम 20 जगह पर पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है, उर्गम वैली नीचे आ रही है, भटवाड़ी नीचे आ गया आपका उत्तरकाशी में, इस तरह के इरिवर्सिबल डैमेज हो गए हैं पहाड़ों में, कौन सोचेगा इन चीज के लिए। विकास बहुत जरूरी है, हम आदम युग में नहीं जी सकते, हमको भी बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए सब, पर सड़क बनाने का तरीका यही थोड़ी है भाई, और जगह भी तो बनी है सड़कें, ये सारी चीजें कौन देखेगा, राजनीति को इससे मतलब है नहीं, जन सामान्य के यहां सड़क पहुंच गई है, उसने देखा ही नहीं कि आज कल उन्हीं के मकान नीचे आ रहे हैं पर आज हमारे गांव में सड़क पहुंच गई। और प्राथमिकता इस बात पे भी नहीं है कि जनता की मांग है, प्राथमिकता इस बात पे भी होती है कि सचिवालय में एक बाबूजी है उनका मकान है 1.5 किलोमीटर दूर, सड़क वहां पहुंचानी है, प्राथमिकता सड़कों की इस तरह से भी तय हुई है और बहुत आयत में हुई है। हाँ ये सारी चीजें तो ये सड़कों का मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखो फिर क्या हुआ कि कलेश्वर एक नासूर था, करोड़ों रुपए इसको ठीक करने में वो हुआ, अब इन्होंने अलाइनमेंट दूसरी तरफ कर दिया, यकीन मानिए ये उससे ज्यादा डिजास्टर्स है। ये हमने कुछ ये पेपर लिखा था, हमने कहा था कि वायबल सड़कें कैसे बन सकती। अच्छा एक बात और है, आपने कहा कि 12 मीटर सड़कें चाहिए, आर्गुमेंट है आपका, और आप क्यों चाहिए कि आपको अतिरिक्त ट्रैफिक पहाड़ों में ले जाना है, 20-30 हजार गाड़ियां पर डे के हिसाब से आपने प्रोजेक्ट डिजाइन किया, ये बोला मान गया, कई चीजें हुई इसमें, HPC ने बहुत आर्गुमेंट दिए सब कुछ। अब एक बात बताइए, उस ट्रैफिक को टिकाऊ के का पहाड़ों में एक टाउनशिप या एक जगह ऐसी है जहां 2500 या 2000 गाड़ियां एक बार में खड़ी कर सको, 1000 ही कर सको, 500 ही गाड़ियां खड़ी कर सको है कहीं पे, तो इतना ट्रैफिक लेके जाओगे कहां, कहीं टिकाओगे भी तो उसको। अब जब ये प्रश्न पूछा गया उससे मैं कुछ नहीं बोला, अब बोल रहे हैं हम सुरंग बनाएंगे पार्किंग की, सुरंग बनेंगी। चमोली से 4 किलोमीटर आगे एक जगह है बिरही, बिरही के से में एक नदी आती है जो चूंकि अलकनंदा के लेफ्ट से आती है, उस नदी के ऊपर एक जगह है गौणा, वहां पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया, 300 मीटर का डैम बना, पूरी रिवर रुक गई। 1851-52 में टेलीफोन टेलीग्राम 1851 के करीब आया, वो जो वायसराय था उसको सूचना पहुंची, भारत का जो वायसराय था उसने ब्रिटेन से महारानी से जो भी वहां पर सत्ता में रहा होगा उससे उसने परमिशन ली, वहां पे उसने एक तंत्र स्थापित किया और PWD का डिवीजन था रायवाला में और कैप्टन वुल्फोर्ड करके एक वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसने वहाँ से पेड़ों पर ठोक ठोक के तार बिछाए टेलीफोन के और वहाँ तक, कहाँ गौणा तक, उस लेक तक जहाँ अब पहुँची वहाँ रोड, वहाँ आप बिरही से और वहाँ गौणा तक जाते जाते आपके घुटने छिल जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे आपको, और इतना भयानक वैली है वो, इतनी नैरो वैली है, बहुत ही खतरनाक वैली है, वहाँ तक बिछाया, वहाँ बंगला बनाया, वहाँ टेम्परेरी वो बनाया, हट बनाया और मॉनिटरिंग करी गई, और एक एक घंटे में वहाँ से टेलीग्राम किया जाता था जो डिकोड होता था शिमला में, और उसके आधार पर मार्च 1994 में पहली फोरकास्ट आई कि ये जुलाई अगस्त के करीब फट जाएगा और फिर बाद में अगस्त के तीसरे हफ्ते में फट जाएगा, ये जुलाई में करेक्शन किया गया और 26 या 27 अगस्त को वो लेक फटी, और उस जमाने में पूरी वैली में कितने रहे होंगे, 2-3 पटवारी रहे होंगे, कहाँ रह गया नीति, कहाँ रह गया माणा, तो उन पटवारियों के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया होगा कि आप वैली छोड़ दो। और आपको पता है कि उस इतनी बड़ी बाढ़ आई जब वो डैम टूटा कि उससे रुड़की नहर पूरी उसकी चोक हो गई थी, श्रीनगर खत्म हो गया, नीचे का जो ओरिजिनल श्रीनगर था जो राजधानी जहां थी वो खत्म हो गया, रुद्रप्रयाग खत्म कर नीचे वाला पोर्शन, कर्णप्रयाग खत्म हो गया, चमोली खत्म हो, कई जगह खत्म हो गई, और जो
रिपोर्टेड डेथ थी वो एक थी, वो एक बाबा श्रीनगर में, वो उसने रिफ्यूज किया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और जब बाढ़ आ गई तो आम के पेड़ में चढ़ा और आम का पेड़ ही उखड़ गया। तो एक रिपोर्टेड डेथ थी उस जमाने में, डिजास्टर मैनेजमेंट 1893 में वो, और वो पार्शियल टूटी थी, वो लेक पूरी नहीं टूटी थी। उसके बाद वो 1900 ये पूरी वैली श्रीनगर वैली तब, हाँ, और वो 1894 में पार्शियली टूटे था, वो लेक थी उसमें बोटिंग होती थी उसके बाद। और दो हिमालय के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, वे स्वीडिश थे और उनका नाम स्विस, उनका नाम था हेम, प्रोफेसर हेम एंड प्रोफेसर गांसर। प्रोफेसर गांसर की 2 साल पहले मृत्यु हुई, उनका स्टूडेंट था, और 5-7 साल पहले प्रोफेसर हेम की मृत्यु होगी। उनका सेंट्रल हिमालय, जियोलॉजी ऑफ सेंट्रल हिमालय, उनका एक मोनोग्राफ है दोनों का, और वो अभी अब तक मास्टरपीस है। ये एमसीटी एमबीटी भाई साहब उसी से है, और उसको कोई चेंज नहीं कर पाया। और वो 1930 में उस लेक में है वहाँ पे करीब, क्योंकि 1939 में वो किताब आई तो 1935 तक उन्होंने पूरी यात्रा कर ली थी। और तब और 1970 में वो ये लेक जो थी वो 1970 में टूटी, ये 1893 के लेक वो पीछे दिख रहा है, और 1970 का ये फ्लड प्लेन ये दिख रहा है, और अब वहाँ पर ऐसा है, और 2008 में ऐसा था, और आज की तारीख में ऐसा है। तो इतनी तेजी से हिमालय के मिजाज, वहीं पे जहाँ पे इतना बड़ा, जहाँ पे 300 मीटर की लेक बनी थी वहाँ पे ये हाल है। ये सॉल्यूशंस हैं कि कुछ होना ये चाहिए कि पहाड़ के लिए अलग से अर्बनाइजेशन पॉलिसी, कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड हो, किसी टेरेन की संवेदन से पहाड़ में तुम दूसरा दिल्ली नहीं बसा सकते हो भाई। आप देखिए टाइम बम बन गए हैं हर पहाड़ी क्लस्टर। एक तो माइग्रेशन ज़्यादा बढ़ गया, कुछ देहरादून आ गए हैं, कुछ जो हैं वो पहाड़ी श्रीनगर गोपेश्वर यहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ ना ड्रेनेज है, जोशीमठ नीचे आ रहा है, गोपेश्वर के ऐसी स्थिति है, बटवाड़ी आपने देख ही लिया, आपने उत्तरकाशी के हाल देख ही लिए हैं। आपको कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। आप बद्रीनाथ और केदारनाथ के मास्टर प्लान तो बना सकते हैं, उसकी संवेदनशीलता को आपने नहीं देखा महाराज। आज आप खुश हो सकते हैं कि आप बहुत जल्दी बद्रीनाथ पहुंच रहे, केदारनाथ पहुंचते हैं, किसी दिन आपको पछताना पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए मैं ये भी मानता हूं कि बहुत रिसर्च हो रखा है, लेकिन वो रिसर्च विश्वविद्यालयों की अलमारियों में बंद है, या विभागाध्यक्षों के विभागों की अलमारियों में बंद है, उसको कोई ब्यूरोक्रेट देखने को भी तैयार नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा जो नेतृत्व है वो ब्यूरोक्रेट पे डाल देता है, और ब्यूरोक्रेट जो उसको बोलता है वही माना जाता है। और इसलिए जितना भी आपका शोध है या हमारा शोध है या सारी, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन सब शोध कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको एग्जीक्यूट करा जाए तो शायद बहुत सी आपदाओं बहुत सी समस्याओं से उत्तराखंड बच सकता है। देखिए जिस विषय के SP सती साहब हैं और जिस विषय का मैं हूँ, हम दोनों का तो कॉन्फ्लिक्ट ही है। मैं कहूँगा विकास पहली मेरी प्राथमिकता है, सती साहब कहेंगे यहाँ फ्लड जोन है, यहाँ अर्थक्वेक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अर्थशास्त्री हैं या जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये नहीं कहा है कि इन जगहों का विकास नहीं हो सकता। देखिए इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य बैठाना होगा, और उस सामंजस्य को बैठा करके हम विकास की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों चीज चाहिए। जो मनुष्य है उसका लाइवलीहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप मना नहीं कर सकते। और देखिए उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि मनुष्य आज बसा हो या अचानक बसा हो, बल्कि वहां से तो कमी हो रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी भारी समस्या है। वो भी आप जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और हम सब लोग जो पहाड़ से हैं या पहाड़ से संबंधित हैं या जो वहां की बातों को रखते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ का समाज है बहुत इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक है, और शिक्षा जगत में उसकी धाक है। हम लोग देश और दुनिया को सुंदर बनाते रहे हैं, और हमारा योगदान विश्व के वैश्विक स्तर पर है। हमारे लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमने अपने उत्तराखंड को सुंदर, समृद्ध, खुशहाल और संपदावान बनाने के लिए कोई विशेष काम नहीं किया।
हम चाहते हैं कि जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो आपके अनुभव हैं, जो कौशल है, जो आपकी दृष्टि है, उससे इस हिमालय को समृद्ध और खुशहाल तो बनाए बनाए एक सुंदर मानवीय आवास भी बनना चाहिए, इसकी परिकल्पना पर भी हमें काम करना चाहिए। उत्तरजन का मकसद केवल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देना भर नहीं है, बल्कि धरातल पर जाकर कुछ करना भी है। हमने पिछले साल एक गांव में संपर्क किया था 2021 में, हमने आपसी सहयोग से उत्तम सिंह रावत जी हुए, एसपी सती जी हुए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीसी नोटियाल जी हुए, ब्रजभूषण रावत जी हुए थे, हम सब लोग थत्तीगढ़ ब्लॉक के गांव में फलों के पौधे लेकर गए, और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस साल उनमें फल लगने लग गए, हिमाचल से मंगाए थे हमने पौधे। ये उत्तरजन एक सोशल इनिशिएटिव है, छोटे छोटे से कंट्रीब्यूशन से समाज बड़ा काम कर सकता है, बदलाव ला सकते हैं, वैचारिक बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो तमाम मुद्दे हैं, अभी मुझे एक बड़ी अच्छी बात पता चली है कि जो चीन में माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ की जीडीपी में उसका बड़ा योगदान है। हमारे जंगल हैं भाई, मध्य प्रदेश में जाओ तो तेंदू पत्ता, गोंद इत्यादि कलेक्ट होता है, हमारे यहाँ लिंगोड़े खाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम खाते हैं, इसका ज़्यादा वो नहीं होता। तो वो बता रहे थे प्रोफेसर बौड़ाई कि चीन में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो जंगलों में जो औषधियाँ हैं, मुझे लगता है कि ये हमारी इकोनॉमी का एक पक्ष है जिसे हम अभी अनजान हैं। लोग जल जंगल जमीन की बातों से आकर्षित नहीं होते। हम भविष्य में इसकी बात भी करेंगे, और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस है, उस दिन हम उत्तराखंड में माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर फिर इसी तरह का एक आयोजन करेंगे, जिसमें एसटीएस लेपचा जी, जो बड़े सीनियर वन विभाग के अधिकारी रहे हैं और उन्हें इस चीज़ का बहुत गहरा ज्ञान है, वो एक इसमें वक्ता होंगे, प्रोफेसर बौड़ाई होंगे, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। और जो हमारे कपाट है मस्तिष्क के, जो हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो बहनें हैं, जो तमाम मुद्दों पर काम कर रहे हैं, हम एक समृद्ध और खुशहाल उत्तराखंड का निर्माण करें जो हम आज तक नहीं कर पाए। हम यूरोप का उदाहरण देते हैं, जो हमसे ठंडे मुल्क हैं, उन लोगों ने उस अनुर्वर और कठिन जमीन में, उस कठोर वातावरण में, ठंडे प्रदेश में भी ये सब काम किया, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आज हमने इस सामाजिक संवाद की श्रृंखला का एक शुभारंभ सती जी से किया। मैं सती जी से इसलिए कन्विंस नहीं हूं कि ये प्रोफेसर हैं, सती जी अपने समय के एक बिंदास युवा हैं, आंदोलनकारी हैं, जुझारू व्यक्ति हैं, इनके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए। प्रोफेसर सती ने उस आंदोलन में न केवल भाग लिया, आज भी उनके सीने में वो आग जलती है, ये बहुत अच्छी बात है, और वो आज इस विषय के विद्वान भी हैं, इस रूप में तो उनका अभिनंदन और स्वागत है ही। लेकिन मैं आज भी उनके अंदर वो उस युवा को देखता हूँ, और वो कहीं पर भी चले जाते हैं, मैं एकेडमिक जगत के लोगों को देखता हूँ, मुझे बहुत आपत्ति उनसे, वो जो एकेडमिक शोध और रिसर्च करते हैं वो अपने करियरवादी हैं, और अपने, मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहूँगा, ये दृष्टि में रखते हैं कि विभाग में हमें उसका किस तरह लाभ एटसेट्रा मिले, लेकिन वो समाज से कनेक्ट नहीं होते। मुझे पिछली बार भी दून यूनिवर्सिटी में बोलने का मौका मिला था, जब तक विश्वविद्यालय इस समाज से कनेक्ट नहीं होगा तो हम पढ़ लिखकर बाहर चले जाएंगे, लेकिन इस समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक चुनौती है, विकास की चुनौती भी है, जिस पर प्रोफेसर सती ने जो खतरे बताए हैं। हम ये भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में उत्पादकता का एक आंदोलन चलाएं, हम एक मांग पत्र भी आपको दिखाएंगे, चाहेंगे कि सब लोग, सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत रखता है, उस पर अपने अपने नाम से आपने वो पोस्टर बनाने हैं, आपने उसके लिए हमें 15-15 रुपए देने हैं, आपके नाम का पोस्टर बनेगा, भाषा यहीं पर रखी हुई है, वो हम जारी करेंगे, ताकि आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के समर्थन से वो आंदोलन फैले और सरकार पर दबाव बने। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे विशेषज्ञ लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपकी आवाज़ में दम है। अभी अंत में मैं अपनी बात कहना चाहूँगी कि सती जी कह रहे हैं कि जो आंदोलन है,
आंदोलन को हमने मजाक बना दिया है, कोई भी कैसे कर रहा था, जो उसकी धार थी वो कुंद हो गई है। और ये मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं, पिछले दिनों से गांधी पार्क में कुछ आंदोलन हुए हैं भ्रष्टाचार को लेकर या अंकिता को लेकर, सरकार ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अगर कोई बात उठाएगा मिलजुल कर गोलबंद होकर, इसका असर समाज पर पड़ेगा, इसका असर सरकार पर पड़ेगा, इसका असर विश्वविद्यालयों पर पड़ेगा और ये समाज डेवलप होगा। हम अगली बार मिल रहे हैं 11 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्थान की सूचना और विषय की सूचना आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुनः आप सबका नमस्कार।